हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8, हम अभी उठे थोड़ा फ्रेश फ्रेश क्या होना है, अब तो ठंडी बहुत है ना, तो यहाँ पे होटल में जाने देते हैं, वॉशरूम भी यूज़ नहीं करने देते। बाकी तो छोड़ो, हमारे पास पानी पड़ा हुआ था, हाथ में धोया अभी थोड़ा। अभी हमारा कस्टमर भी नहीं आया, फ़ोन भी किया था हमने उनको, अभी आए नहीं है। जो आएंगे उसके बाद हम सीधा निकलेंगे सोनमर्ग के लिए। सेम डे है सोनमर्ग, तो वापस आना है। होटल है एयरपोर्ट रोड पे ही, होटल है, उधर ही जाना है। यहाँ पे ठंड बहुत हो गई है, बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, दिन ब दिन मौसम चेंज हो रहा है। अभी हमने अपनी गाड़ी शाड़ी स्टार्ट की है, थोड़ा हाथ में धोया, हाथ में धो के चलो थोड़ी वीडियो शूट कर लेते सुबह सुबह के टाइम पे। बाकी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप टीवी के साथ। ये रही अपनी गाड़ी, बाहर से तो थोड़ी थोड़ी गंदी हो गई है मगर अंदर से बिल्कुल क्लियर साफ है। जो गंद गुंद पड़ा हुआ था हमने सफाई कर ली है। ये रही अपनी गाड़ी, ये देखिए। बाहर से थोड़ी गंदी हुई है गाड़ी, देखी है। अगर आज सोनमर्ग में धूप रही तो गाड़ी हम अपनी वहीं पे धोएंगे, आज अच्छे से सफाई करेंगे गाड़ी की। बाकी जो दूसरी गाड़ी मेरे साथ थी ना, उसके मालिक ने ना बहुत बहुत ज़्यादा गालियाँ दी मेरे को रात को फ़ोन करके। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप टीचर हो, आपने मुझे गालियाँ दी, अब यही बच्चों को भी पढ़ाते होंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा है, आपने जो किया अच्छा किया। एक घंटे उसने पूरी गालियाँ देता रहा, तो बेईमान है, तो ये है, तो वो है। अब जो रेट ट्रैवल की तरफ से है वही मैं उसको भी दे रहा हूँ, मैं कौन सी उससे कमीशन खा रहा हूँ, तो वही कोई बात है। उल्टा उठ उठ के मुझे गालियाँ दे रहा है उसकी। मेरी जम्मू से जब हम निकले, जम्मू से हम निकले 24 तारीख शाम को 5 बजे, उसके साथ मेरी बात हुई। मैंने बोला भाई ये रेट है, ये तेरी गाड़ी को बचेगा। बोलने लगा हाँ ठीक है, ड्राइवर का नंबर है, ड्राइवर जा रहा ले जा गाड़ी को। रात को 12 बजे जब बनिहाल पहुंचता हूँ तो बंदा बोलता नहीं जी मुझे इस रेट पे 12 नहीं है। मैंने उसको बोला यार अगर तू मेरे को जम्मू से ही मना कर देता मैं वहीं से गाड़ी ले आता दूसरी, अब यहाँ रात को 12 बजे मैं कहाँ से गाड़ी ढूंढूंगा। मैं भी परेशान हो गया यार, मैं क्या करूं यार। अगर देखो बंदे ने एडवांस कल मुझे बोल रहा है कि एडवांस तूने लिया, मैंने थोड़ी लिया था। कोई यार कोई बात होती है, कोई ज़बान होती है, एक टीचर होके झूठ बोलना शुरू हो जाएगा तो एक आम इंसान क्या करेगा, जो बच्चों को शिक्षा देता है, जो बच्चों को पढ़ाता है। तो मेरे उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सब रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, उसने बहुत कुछ बोला मेरे को। उसको मैंने जी करके ही बुलाया, मास्टर जी करके ही बुलाया। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आपने जितनी गालियाँ देनी है दे सकते हो, कोई बात नहीं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बहुत सारी गालियाँ दी। ड्राइवर उसके ने भी बोला उसको कि मास्टर जी गालियाँ मत दो, गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा। अब देख अगर वो मुझे जम्मू से ही, जब मैं जम्मू से निकला था तभी मुझे मना कर देता ना, तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं, एक ही उसी की गाड़ी नहीं है, मैं कहता हूँ हज़ारों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, हज़ार लोग बोलते हैं कि हमें टूर दिलाओ। तो उस बंदे ने पहले तो हाँ कर लिया, दुनिया को तो पता रहता नहीं है इनको, पहले बंदे ने हाँ कर लिया। जब रात को बंदा बनिहाल में पहुँचता है वहाँ पर उसके पंप दिया लोगों ने, वहीं का एक सजू का ही है, उसने उसको पंप दिया। पंप देने के बाद बोलता जी नहीं जी इस रेट पे कौन जाएगा, 5,055 श्रीनगर टू श्रीनगर चल रहा है। यार मैं कहता हूँ सीज़न में एसी वाली गाड़ी को नहीं 4,000 मिलता है, ये तो फ्लैट छत गाड़ी है, फ्लैट छत को। अभी मैंने कल 2-3 जगह ट्रैवल वालों से पूछा, बोलते हैं 3,000 से 3,200-3,300 यही रेट चल रहा है श्रीनगर टू श्रीनगर फ्लैट छत का। उसको चाहिए 4,000-4,500, मैं कहाँ से दूँ यार, मैं भी एक गरीब बंदा हूँ यार, दिहाड़ीदार बंदा हूँ, तो मैं कहाँ से दूँ उसको। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपने गाली देनी दे दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिश्तेदार ही है अपने ही है वो भी, वो कोई बगाना नहीं है। मैंने बोला आपने जितनी गाली देनी, एक घंटा उसने गाली दी मेरे को। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, सब रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे गाड़ियों के ओनर जो है ना बहुत गलत करते हैं। अब उसको अच्छे खासे पैसे बच गए, 2,200 रुपया दिन का बच गया, तो कल ही गाड़ी उसकी भर के निकल जम्मू निकल गई।
और क्या चाहिए उसको, 6 या 7 दिन का उसको 20 या 25 हज़ार रुपया बच रहा है, और क्या चाहिए उसको। बोलता नहीं जी मैंने ड्राइवर की तनख्वाह सारा को देखना, तूने देखना हमने थोड़ी नहीं देखना यार, हम भी गाड़ी चला रहे हैं यार, हमें भी गाड़ी है, हम तनख्वाह भी देखते हैं, हम गाड़ी की किस्त भी देखते हैं, हम सारा सिस्टम देखते हैं, एक ही फेरे में से थोड़ी निकलेगा सब कुछ। उस बंद मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तूने अच्छा किया जो किया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा मूड मेरा ऑफ हो गया था, कल मैंने ब्लॉग फिर शूट नहीं कर पाया। चलो नेक्स्ट बार ऐसी गाड़ी तो मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ गाड़ी इस सीज़न में भी मेरे साथ गाड़ी चलती रही, हर टाइम पे मेरे साथ गाड़ियाँ चलती रही, मगर ऐसा किसी ने जैसा इस बंदे ने किया मेरे साथ। उधर कही है रियासी, कही है रियासी से ऊपर चलते हैं ये लोकल गांव में। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो तूने करना था कर लिया तूने, कोई बात नहीं। तो मिलेंगे उससे, ज़रूर मिलूँगा मैं, जब भी मुझे मिलेगा ना मैं उसको 4 बातें सुना के ही रहूँगा। ये ट्रांसपोर्टर आज 2 दिन भी नहीं हुए इनको ट्रांसपोर्टर करते, मुझे 12-13 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, और ऐसा बंदा मैंने पहली ज़िंदगी में पहली बार देखा। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम जा रहे हैं सीधा सोनमर्ग के लिए, अभी हमने अपनी गाड़ी शरीफ स्टार्ट कर ली है, तो हमारे कस्टमर भी आने वाला है। हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़। हम फ्रेश होके बाहर गए थे चाय शाय पीएंगे, यहाँ पर तो चाय की दुकान भी नहीं मिली, अभी देखते हैं यहाँ से निकलेंगे आगे रास्ते में ही पी लेंगे। बाहर पूरा मार्केट घूम के आए, मार्केट तो है नहीं, ये रोड पे ही दुकानें पूरा देख के आए, वहाँ पे चाय शाही तो मिली नहीं हमें, है ही नहीं कोई दुकान ही नहीं है। तो अब देखते हैं आगे रास्ते में ही जहाँ पे मिलेगी दुकान तो वहाँ पे चाय शाही पी लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो अभी हम आपको सीधा नकिन लेक की तरफ लेके चलेंगे, वहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ। अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो हम अभी आए हैं नगीन लेक की तरफ। तो ये रही नगीन लेक, डल लेक की तरह, ये डल लेक का हिस्सा ही, ये भी नगर नाम उसका थोड़ा अलग है, ये शिकारा राइट है यहाँ पे। अभी तो कस्टमर भी नहीं आया हमारा, हमने सोचा चलो थोड़ा चक्कर शक्कर मार के आते हैं नगीन लेक की तरफ। ये घाट नंबर 1 है नगीन लेक, तो मुझे थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं, देखिए कितना मस्त लगता है। सुबह सुबह ठंड बहुत होती है यहाँ पे, छोटी रेड़ी शेड़ी लगाई है इन्होंने सामान बेचने के लिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है अब, दिन ब दिन ठंड बढ़ रही है खासकर कश्मीर में। तो ये अभी हम नगीन लेक में, ये शिकारा राइड है यहाँ पे, ये देखिए पानी में कैसे चल रहा है भाई। अभी हम पहुँच चुके हैं सोनमर्ग में, ये देखिए सोनमर्ग का नज़ारा, ये देखिए कितनी टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। तो ऊपर पहाड़ियों पे जो है ना बर्फ़ अभी गिर रही है, ये देखिए, ये देखिए पहले की भी गिरी हुई है, अभी फिर से गिर रही है बर्फ़, ये रही पहाड़ियाँ, ये देखिए कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। और ये अपनी गाड़ी है, ये देखिए ये यहाँ की पार्किंग है, ये देखिए कितनी बर्फ़ गिरी हुई है ऊपर टॉप टॉप पे, अभी भी बर्फ़ गिर रही है, वो दिख रहा है ना अंधेरा आपको, पूरी बर्फ़ गिर रही है अभी भी। ये देखिए कितना मस्त नज़ारा है यहाँ का। तो अभी हम यहाँ से सीधा निकलेंगे श्रीनगर होटल की तरफ, तो ये देखिए कितना मस्त नज़ारा है, ये अपनी गाड़ी है, ये बाकी गाड़ियाँ लगी हैं पार्किंग में, हमने भी यहीं पे पार्किंग में खड़ी की है गाड़ी। ये कितना मस्त नज़ारा है, बर्फ ही बर्फ़ दिखेगी चारों तरफ आपको, बस अब बर्फ़ का सीज़न आ गया, फर्स्ट से बर्फ़ दिखाई भी है, बहुत सारी बर्फ़ गिरेगी। तो ये देखिए कितना मस्त नज़ारा है, क्या बात है यार। अभी हम सीधा अपनी गाड़ी में जाएंगे, हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, ये रही अपनी गाड़ी, ये कस्टमर का सामान भी कहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, सोनमर्ग आए थे आज हम, तो यहाँ पे सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी तो टूरिस्ट 0 पॉइंट भी नहीं देखने गया ना, ग्लेशियर पॉइंट देखने गया, तो अभी आ जाएंगे, उनको फ़ोन करेंगे वापस, पता नहीं देखने क्या आए थे इधर यार, जब घूमने नहीं गए तो देखने क्या आते हैं इधर। सोनमर्ग तो पहले भी देखा होगा हमने, जो भी टूरिस्ट आता है वो घूमने जाता है, कहीं 0 पॉइंट चला गया या ग्लेशियर पॉइंट चला गया, तो ये तो कहीं भी नहीं, बस यहाँ से उतरे हैं नीचे, वो ऊपर तक गए, पता नहीं क्या देखने आए थे, कोई समझ नहीं आती है यार। तो अभी हम सीधा यहाँ से निकलेंगे अपने होटल की तरफ, तो यहाँ पे सर्दी बहुत है यार, ख़तरनाक सर्दी है।
हमने जैकेट भी पहन रखी है, अंदर से इनर भी पहन रखी है, शर्ट भी पहन रखी है, तब भी सर्दी लग रही है, बाहर तो खड़े ही नहीं होने आ रहा है। तो अभी हम अपनी गाड़ी में बैठे, ये रही अपनी गाड़ी, गंद बहुत डालते हैं ये गाड़ी में, बहुत बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं। कोई कोई टूरिस्ट होता बहुत साफ, जो पीछे अभी 6 दिन का बैगेज था ना मेरे पास, बहुत अच्छा कस्टमर था यार वो। अब्दुल और नहीं आया रहा मोड़ के, मुश्ताक भाई किसो दिन रहे आज को, बहुत अच्छा बहुत अच्छे हो रहे ना, शुक्र अल्लाह को, और हमारे वास्ते बहुत खराब रहे आज रहे, हमारे वास्ते शुक्र अल्लाह को बहुत अच्छा रहे, 6 ना लोगी तो 2 चले गई। चलो यार शुक्र अल्लाह तिहाड़ी तो बन गई नहीं। शुक्र अल्लाह को, ये हमारा मुश्ताक भाई, वो हमारा बिलाल भाई, ये हमारा सजाद भाई, ये सजाद भाई है। तो हम इस टाइम बैठा हुआ अपनी गड्डी के बीच,